हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई दरबार न्यूज डिस्कशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा पांचवा एपिसोड डिस्कस हो रहा है। आज है 10th अगस्त 2022। तो ये डिस्कशन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, अप्रॉक्स 6th ऑफ अगस्त से हम लोग डेली डिस्कस कर रहे हैं। और ये उम्मीद है कि आप लोग भी सपोर्ट करेंगे इस वीडियो को आगे बढ़ाने में। जो भी लोग मुझे YouTube पर सुन रहे हैं या जो मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जिनको बहुत अच्छा लग रहा है डिस्कशन, वो लोग प्लीज़ इसको आगे प्रमोट करिए। जैसा जैसे भी हो सकता है स्टेटस में लगाइए या और अपने दोस्तों को बताइए, बिकॉज करंट अफेयर्स की आवश्यकता हर किसी को है। और अगर मैं आप लोगों की कोई मदद कर पाऊंगी करंट अफेयर्स को पढ़ाने में, आपकी जो भी करंट के क्वेरीज हैं उसको क्लियर करने में, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। आइए स्टार्ट करते हैं पांचवा एपिसोड आज का। देखिए, आज के डिस्कशन में काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलने वाले हैं हमें। एक बार फिर से बता दे रही हूँ सभी लोगों को, करंट अफेयर्स में हम डिस्कशन तो न्यूज़ का करते ही हैं, है ना, साथ में जीएस पोर्शन भी लिंक्ड होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको लग रहा है, मान लीजिए करंट अफेयर्स में आपके 2 घंटे चले गए, अब आपको लगता है यार मेरे 2 घंटे चले गए और सब्जेक्ट में कब पढ़ूँ, तो याद रखिएगा करंट अफेयर्स की खास बात यह है कि आपको न्यूज़ तो मिलता ही है, साथ में कोई ना कोई टॉपिक भी कवर हो रहा होता है, राइट। जनरल स्टडीज का कोई टॉपिक कवर हो रहा होता है। जैसे लास्ट डे हमने डिस्कस किया था कोलेजियम के बारे में, हमने वो डिस्कस किया, तो न्यूज में कोलेजियम सिस्टम था, लेकिन वो हमारे जीएस का भी पार्ट है, पॉलिटी का। वहीं साथ में हमने दूसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज देखा था वो टाइगर रिजर्व्स के बारे में देखा था। तो ये आप एनवायरमेंट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब लगातार पढ़ते चले जाते हैं। ओके, सो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने पहले न्यूज से, विच इज अबाउट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की आज हम बात करेंगे। बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मोदी इज स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, शेर शाह। देखिए, यहाँ पे अब आपको ये लगेगा कि ये न्यूज इंपॉर्टेंट है या नहीं, अगर आप पॉलिटिकल एंगल से देखें, क्योंकि यहाँ पे ये पॉलिटिकल एंगल है। क्यों? क्योंकि भाई पॉलिटिकल, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, उनके अगर मोदी जी को देखते हैं, प्रधानमंत्री तो हैं हमारे, बट वो एक पर्टिकुलर पार्टी से हैं जो कि बीजेपी है। जो अमित शाह है वो भी पर्टिकुलर पार्टी से हैं जो कि बीजेपी है। तो जाहिर तौर पर वो जो भी कहेंगे वो बहुत अच्छी अच्छी बातें ही कहेंगे। तो क्या हमको इसको पढ़ना चाहिए? जनरली मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर कोई पॉलिटिकल न्यूज है तो हमें उसको नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री की हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर डेमोक्रेसी की हो रही है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। तो हम इस पूरे न्यूज में बात करेंगे डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट, व्हाट इज डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ऑल्सो। लोकतंत्र क्या होता है, कैसे है, क्या है, कब हुआ, और क्या क्या ये डेमोक्रेसी, क्या ये लोकतंत्र भारत में आज है या पहले भी कभी हुआ करता था? क्या आज़ादी के पहले हम डेमोक्रेसी के बारे में जानते थे? क्या लोकतंत्र भारत के कहीं किसी राज्य में पहले कभी हुआ करता था? तो हम उसके बारे में बात करेंगे आज के इस डिस्कशन में। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू नोट इट डाउन, आपको नोट करना है अपने कॉपी में। कल मैंने नोट्स बनाना सिखाया था ना, ऐसे कॉपी में मार्जिन छोड़ना है, इधर अलग मार्जिन छोड़ना है, इधर अलग मार्जिन छोड़ना है, यहाँ पे नोट्स मेकिंग करनी है, ठीक है। एक बार सारा कुछ लिख लिया, अब डेमोक्रेसी, क्या डेमोक्रेसी में क्वेश्चन पीटी में आएगा? बिल्कुल आ सकता है, ये बिल्कुल मत सोचिए कि डेमोक्रेसी से पीटी में, प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है, और मेंस में तो आ ही सकता है, कई बार पूछा गया है। तो जिनका भी ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस, जिनका भी जनरल स्टडीज में आप पढ़ रहे हो, एथिक्स पढ़ते हो, जो भी आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो जीएस पेपर 2 में हम इसको एसोसिएट करेंगे डायरेक्टली, डायरेक्ट रूप से। और आइए बात करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र सरकार का एक रूप होता है, ठीक है, जो सरकार है, जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, उसके अलग अलग रूप होते हैं, कहीं पर डिक्टेटरशिप होता है, कहीं पर डेमोक्रेसी होता है, कहीं पर, तो इस तरीके से अलग अलग कानून होते हैं सरकार के। डेमोक्रेसी भी उसी का एक रूप है, सरकार का एक रूप है, जहां पर क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र, लोगों के द्वारा चलाया गया तंत्र, तंत्र मतलब एक सिस्टम, जब लोगों के द्वारा एक सिस्टम को चलाया जाएगा वो लोकतंत्र कहलाएगा, वो डेमोक्रेसी कहलाएगा। और यहाँ पे लोग अपने आप खुद से मतदान देते हैं, सीधे मतदान करते हैं और प्रतिनिधि को चुनते हैं,
है ना, जो भी व्यक्ति खड़ा हुआ है इलेक्शन में उसको चुनते हैं, डायरेक्टली लोग चुनते हैं। आप देखिए, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने या कोई भी हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं, आप उनको खुद जा करके चुनते हो। आपको मालूम होगा लोकसभा का इलेक्शन होता है और आप जाके मतदान करते हैं, ठीक है ना। बस जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वो उसमें जो MP वगैरह हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि आप डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन जब बात प्रधानमंत्री को चुनने की होती है, जो पूरे सिस्टम को चला रहे होते हैं, तो वहां पर आप सीधे तौर पर मतदान करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र है, और क्योंकि जो जनता है वो सीधे तौर पर इसको चुनती है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है 15 सितंबर हर साल। देखिए, अभी न्यूज में है ये सारे कॉन्सेप्ट्स, काफी जो UPSC है वो अभी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस का ही पूछने लग गई है। तो याद रखिएगा, 15 सितंबर को, 15 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। आपको मालूम तो होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है, भारत आज दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कामकाजी लोकतंत्र यानी कि फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। भारत आज दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, और ये बहुत बड़ी बात थी। आपको एक स्टोरी बताती हूँ, जब हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है, और आजाद होते ही भारत में क्या किया गया, डेमोक्रेसी को लाया गया, डेमोक्रेसी को अपनाया गया, और उसके बाद यहाँ पे लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया, ठीक है ना। फ्रेंचाइजीज लेकर के आए, तो जब एडल्ट फ्रेंचाइजी लेकर के आए, ठीक है, क्या होता था, आपने, आपको याद होगा अगर आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा है तो, कि 1919 का एक्ट आता है जहाँ पे मतदान लोग करना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद 1900 यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसके बाद 1935 होता है वहाँ पे इलेक्शन होता है। तो ये जो इलेक्शंस थे ना, क्या यहाँ पे सभी लोग वोट कर पा रहे थे? नहीं। अच्छा, एक बात और बता दें कि ये जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र होगा, ये होगा, वो होगा, इसका कहीं ना कहीं जो भारत में अभी आप देखते हैं, उसकी नींव अंग्रेजों के समय से ही पड़ गई थी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आजाद होने के बाद हम पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम को लेकर के आए, नहीं, आजाद होने के बाद जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर छोड़ करके गए थे, जिस सिस्टम को, हमने उसी को अडॉप्ट किया, बस उसको हमने बेहतर किया बाकी जगह से, अदर अदर कॉन्स्टिट्यूशन से बाकी चीजें ली, जैसे कि हमने अमेरिका से फेडरल कैरेक्टर को उठाया, फेडरलिज्म को हमने वहां से उठाया, उसके बाद हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया। तो इस तरीके से हर जगह से हमने थोड़ी थोड़ी अलग अलग चीजें ली और अपने संविधान को बेहतर बनाने की कोशिश की। तो स्टोरी में ये सुना रही थी कि 1935 में भी इलेक्शन होता था, लेकिन तब जो मतदान का अधिकार था वो कुछ लोगों को दिया गया था, और वहां पे कहा गया था कि भाई जिसके पास धन है, ठीक है, धन, एक क्राइटेरिया क्या रखा गया था, पैसा का, दूसरा क्राइटेरिया रखा गया था पढ़े लिखे होने का। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, एलीट क्लास से है, वही मतदान करेगा। हर किसी को मतदान का अधिकार नहीं था। मतलब क्या बोला गया था पहले, कि भाई आप अगर पढ़े लिखे नहीं हो, आप उच्च परिवार से नहीं आते हो, अमीर नहीं हो, तो फिर आप कैसे चुन सकते हो लोगों को, आप तो चुन ही नहीं सकते। लेकिन जैसे ही भारत आजाद होता है तो क्या किया गया, हर किसी को मतदान का अधिकार दिया गया। उस समय में जो मतदान का अधिकार था वो 21 वर्ष का हुआ करता था, 21 ईयर के एज के अगर आप हैं तो मतदान कर सकते हैं, और इसके लिए कोई क्राइटेरिया और नहीं रखा गया था। 1 person 1 vote का कॉन्सेप्ट वहीं से आया। ऐसा नहीं कि मतलब जिसके पास पैसा है वो उसका वोट का इतना परसेंटेज होगा, जो पढ़ा लिखा उसका वोट का ये परसेंटेज होगा, ये हटा दिया गया था। तो पता है लोगों ने क्या कहा, जो अदर कंट्रीज थे, जो अपने सामने भारत को आजाद होता हुआ देख रहे थे, जो बड़े बड़े देश थे, काफी ताकतवर माने जाते थे, उन्होंने बोला कि ये जो भारत की डेमोक्रेसी है ये बहुत दिन चल नहीं पाएगी, और भारत में फिर से एक सिविल वॉर हो सकता है, और ये जो स्टेप भारत ने लिया है ये पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाएगा। आज आप देख रहे हैं कि हम आजादी का 75वां साल मनाने जा रहे हैं। 15 अगस्त को हम, आप सोचिए कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट, एंड इट इज ऑनरेबल फॉर ऑल इंडियंस, इट इज वेरी प्रेशियस मोमेंट फॉर ऑल इंडियंस, एंड वी आर स्टिल डेमोक्रेटिक नेशन। आज भी लोकतंत्र है भारत, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया लेवल पे। आप देखिए कि कोविड आया, इतनी बड़ी महामारी आई, इतना सब कुछ तहस नहस हो गया, लेकिन उसमें भी एक नाम जो जगमगाता रहा वो था भारत का। भारत एक उम्मीद का
कल भी था और भारत एक उम्मीद आज भी है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है और ये जो डेमोक्रेसी है इसके कुछ एलिमेंट होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, आवश्यक तत्व होते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको डेमोक्रेटिक बताती है? तो आपके पास अगर स्वतंत्रता है, क्या आपके पास फ्रीडम है? बिल्कुल फ्रीडम है। अब मैं आपके घर के फ्रीडम की बात नहीं कर रही जहाँ पे कि बहुत सारी लड़कियों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है या लड़कों को माँ बाप पढ़ने के लिए बार बार बोल रहे हैं, उनको गेम खेलने का फ्रीडम नहीं दे रहे हैं। दैट इज नॉट फ्रीडम। फ्रीडम इज वॉट विच यू आर गोइंग टू प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो स्वतंत्रता जो फ्रीडम आपको दे रही है वो आपका यहाँ पर माना जाता है। दैट इज स्वतंत्रता जो कि आपको दिया गया है। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों का सम्मान होना चाहिए। अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहां पर ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाएगा। जैसे आप कभी कभी देखते हैं कहीं पर सिविल वॉर होता है या जो ऐसे आतंकवाद का वहां पर काफी सामना होता है, जैसे कि सीरिया का जो कंडीशन था बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया था, इवन स्टिल आज भी है, और कई सारे ऐसे देशों में भी, अफगानिस्तान में देखा गया हमने कि जब तख्ता पलट हुआ और तालिबान वहां पर फिर से आते हैं तो क्या किया गया, फ्रीडम को हैम्पर करने की कोशिश की जा रही है, महिलाओं के ऊपर फिर से कुछ नए नए कानून लगाए जा रहे हैं। तो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, जो मानव के अधिकार हैं, जो मूल अधिकार है कि भाई ये इसका अधिकार है, इसको ये तो मिलना ही चाहिए। अगर आप उन बेसिक राइट्स को नहीं दे पा रहे तो आप डेमोक्रेटिक नहीं है। होल्डिंग पीरियोडिक जेन्युइन इलेक्शंस बाय द यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार होना चाहिए, अगर ये है तो ही आप डेमोक्रेटिक हैं। इस तरीके से ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको आपको याद रखना है कि डेमोक्रेसी में कौन कौन सी चीज आती है। नोट्स में अगर आप इसको लिख लेंगे ना एक बार तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम 5 साल के बाद दें या 4 साल के बाद दें, डेमोक्रेसी जो आज है वही कल रहेगा, है ना। तो जिनको अभी समय है एग्जाम देने में, 5 साल का समय है, वो लोग अभी ध्यान से पढ़ें, कॉन्सेप्ट को समझें, अगर लिख पाते हो। क्योंकि देखो जो 5 साल है इसका मतलब है कि वो अभी 11th क्लास में होगा या 12th क्लास में होगा, उसके पास समय की ऐसे कमी रहती है थोड़ी सी, उसको स्कूल का भी काम करना है, कोचिंग की क्लासेस भी करनी है। तो अगर आपको समय ज्यादा नहीं मिल पा रहा है तो आप इसका नोट्स बनाना छोड़ सकते हैं। लेकिन जो लोग अगले साल 2023 में बैठ रहे हैं, 24 में बैठ रहे हैं, वो ये गलती बिल्कुल ना करें, वो नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। अब भारत में जो डेमोक्रेसी थी वो आज क्या है वो आप जान रहे हैं, बट जब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, एंसेंट इंडिया की तरफ चलते हैं, प्राचीन भारत की 6वीं शताब्दी में पहुंचते हैं, तो हम देखते हैं, हम ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, 6th सेंचुरी BCE की बात कर रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। वैशाली जो राज्य हुआ करता था, साम्राज्य हुआ करता था, वहां पर सबसे पहले रिपब्लिक लाया गया, सबसे पहला गणराज्य अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगा, वो कौन सा है? वैशाली, जो आज के प्रेजेंट बिहार में पड़ता है वैशाली, और वो तब एक बहुत ही अच्छा गणराज्य था। अच्छा, वैशाली से जुड़ा अगर आपको कोई फैक्ट याद आ रहा है एंसेंट इंडिया का, कोई फैक्ट, यहाँ पे कोई बहुत बहुत बड़े व्यक्ति, वो कोई बहुत बड़े संत महात्मा क्या यहाँ से बिलोंग करते थे, अगर कुछ ऐसा आपको याद आ रहा है तो कमेंट में बताइए मुझे। वैशाली से जुड़ा हुआ कोई भी एंसेंट फैक्ट आप बताइए, पुराने भारत का, प्राचीन भारत का कोई फैक्ट जो आपको याद आ रहा हो, फटाफट से कमेंट करके बताइए जल्दी से, है ना। तो एंसेंट इंडिया में याद आया कि इसका मतलब लोकतंत्र जो है वो आज ही नहीं है भारत में, एक समय सोचिए कि आज से 6वीं शताब्दी शापुर 6th सेंचुरी BCE में हमने देखा था कि भारत में लोकतंत्र हुआ करता था, गणराज्य हुआ करता था, ठीक है ना। अब अभी अभी के समय में वर्तमान जो है आपको मालूम ही है, भारत में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद यहाँ पे पूरी तरीके से इसको डेमोक्रेटिक कर दिया गया। शुरुआत इसकी 1935 के कानून से, अधिनियम से हो गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लोकतांत्रिक शासन की नींव रखी जा चुकी थी, ये आपको फैक्ट दिमाग में रखना है, ओके। सो इतना क्लियर है। देखिए जब आजाद हुआ था भारत ना, तब गांधी जी चाहते थे कि यहाँ पे एक विलेज रिपब्लिक हो, है ना। जो गांधी जी का कॉन्सेप्ट था वो चाहते थे कि गांव गांव को संभाले, मतलब कोई सरकार ना हो, कोई गवर्नमेंट हो ही ना। जैसे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, लोग लगता है कांग्रेस गांधी जी ने बनाया होगा, ऐसा नहीं है। गांधी जी तो कांग्रेस को बस आजादी के तक चाहते थे कि हाँ आजादी मिल गई, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि आपको इकट्ठा रूप से आजादी दिला सके।
और उसके बाद जो हो सिस्टम वो विलेज रिपब्लिक हो, ग्राम साम्राज्य हो, ग्राम गणराज्य हो, सभी लोग एक दूसरे की मदद करें, सभी लोग अपने ऊपर शासन करें, कोई एक ऐसा कोई आइडेंटिटी आपको कंट्रोल ना करे। लेकिन ये संभव नहीं हो सका। और उसके बाद क्योंकि भारत में क्या है, डाइवर्सिटी है, और गांधी जी ये समझते थे कि हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है, हर व्यक्ति के पास अपना एक विवेक है, वो जानबूझकर कोई गलती नहीं करेगा, वो जानबूझकर करप्शन नहीं करेगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? आज के समय में ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति को बताने के बाद भी वो संभलते नहीं, सुधरते नहीं। तो इसीलिए ऐसे ऐसे टाइम पर फिर वेस्टमिंस्टर का, यूनाइटेड किंगडम यूके का जो पॉलिटिकल मॉडल है उसको भारत में अपनाया गया था। और उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दिया गया भारत में, आर्टिकल 326 आर्टिकल याद रखेंगे, जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आपको देता है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लिखा गया है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, आई होप डेमोक्रेसी वाला जो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। कहीं किसी को कन्फ्यूजन हो तो मुझे फटाफट से पूछ लेना है, कॉल कर लेना है या मैसेज पर पूछ लेना है, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ पीपल, डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ गवर्नमेंट, आपको क्या लगता है? दोनों, अब दोनों स्टेटमेंट सही है तो आप बताइए कि दोनों सही है, दोनों में से एक सही है तो बताइए कौन सा सही है, पहला या दूसरा, या आपको दोनों ही गलत लग रहा है? तो फटाफट से कमेंट करिए और बताइए सही आंसर क्या होगा, जल्दी से। टिक टिक 1 2 3 का टाइम चल रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए ए बी सी या फिर डी। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज 1 A होगा इसका आंसर, बिकॉज डेमोक्रेसी में रूल ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता, रूल ऑफ पीपल होता है, लोग शासन करते हैं। ठीक है, याद रखना है। अगला न्यूज जो है वो फेक करेंसी के बारे में है, कि फेक करेंसी जो भारत में थे उसकी संख्या में काफी कमी आई है, 80% तक डिक्लाइन हो गया है बैंकिंग सिस्टम में। अब जो फेक करेंसी है वो नहीं है, मतलब नहीं बोल सकते, है तो है ही बट कम है। अब आइए फेक करेंसी को लेकर के जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको कंट्रोल करती है, रोकती है, रोकथाम करती है, वो कौन है? वो NIA है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी है जो इसको कंट्रोल करती है, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको कब बनाया गया था, NIA एक्ट लाया गया था 2008 में। ठीक है ना, तो NIA कैसा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। कब बनाया गया था, 2008 में एक एक्ट लाया गया था। ठीक है, 2008 में एक्ट लाने के बाद इसको बनाया गया था। क्यों? क्योंकि लगातार कई सारे हमले हो रहे थे, जो 26/11 था उसके बाद ये आपका पार्लियामेंट पर अटैक होता है, तो ये सब जो अटैक था उसको देखते हुए एक अलग से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बनाना बहुत ज़रूरी हो गया जो कि तुरंत कार्रवाई करे, है ना, जिसका काम मतलब क्विक हो, फास्ट हो, इन्वेस्टिगेशन तुरंत हो, टेरर रिलेटेड जो भी क्राइम्स हैं उसके लिए मतलब होता है ना कि कोई ऐसा परमिशन ना लेना पड़े और स्टेट से बिना किसी परमिशन के वो फटाफट से अपना काम करें, तो ये इसका एम था NIA को बनाने का। ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ इसी का कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। आपको मैंने बताया इसको क्यों बनाया गया, फंक्शन क्या है, ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेट करती है ऑफेंसेस को। ठीक है ना, अफेक्टिंग द सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट, भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखने के लिए NIA का होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटीज में भी अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको ये देख सकती है, तो ये काफी याद रखना, अच्छे से आपको याद रखना है। जो अभी हम न्यूज डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द फेक करेंसी या फिर स्मगलिंग वगैरह जो होती है करेंसी की, उनको भी यहाँ पर ये प्रोटेक्ट करता है, रोकथाम करता है। ठीक है ना, अभी कुछ बदलाव हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, और इसके जरिए जो बदलाव किया गया है NIA के पावर में, ताकतों में, उसमें क्या क्या है देख लीजिए। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी की जांच कर सकता है, जाली मुद्रा या बैंक नोट से संबंधित अपराध को रोकेगा। ठीक है ना, मैन्युफैक्चर ऑफ सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म, ऐसे आर्म्स, ऐसे हथियार जो कि प्रतिबंधित हैं, उसको, उसके बिक्री और निर्माण को रोकना इसका काम है। साइबर टेररिज्म को भी ये देखता है,
आजकल साइबर टेररिज्म बहुत होते हैं, बैंक से पैसे निकाल लेना, हैक कर लेना, ये करना वो करना, तो साइबर टेररिज्म को भी जो भी इंटरनेट से संबंधित जो भी अपराध है उसको ये देखता है, रोकथाम करता है। ऑफेंसेस अंडर द एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे एनआईए के काम है, सब मैंने आपको बताया। आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर करना है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसको ध्यान से पढ़िए, कमेंट में आंसर बताइए क्या लग रहा है। सारे स्टेटमेंट सही हैं, ये इनमें से कुछ हैं जो सही हैं। अगला न्यूज है फास्टैग के बारे में। अच्छा, जिसके भी घर में कार है फास्टैग का, उनका सामना हुआ होगा, और जिसके भी जो भी लोग ट्रेवल करते हैं, कार हो या ना हो, बाइक है, लेकिन वो टोल पर जाते हैं, टोल पार करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर गए हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य गए हैं, तो वहां पर वो देखते हैं उनको टोल मिलता है ना। टोल क्या होता है, जो वहां पे बीच में, जैसे आप कोई स्टेट चेंज कर रहे हैं तो वो आपको आपसे टैक्स लेता है ना, टोल पर रोक करके टैक्स लेता है। तो ये कई सारे इसके ये जो टोल बनाए जाते हैं ना, कई तरीकों से बनाए जाते हैं, कि एक जो सिक्योरिटी पर्पस से, कि रोकथाम के लिए कहीं पर एक ब्रेक मिल जाए, लोगों को रोका जा सके टोल पर। फिर जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, इन्हीं टोल के जरिए वो टैक्स लेती हैं, है ना। मान लीजिए अगर किसी अदर प्राइवेट कंपनी ने रोड बनाया, रोड बड़ा सुंदर बनाया, मस्त बनाया, तो वो क्या करती है, कुछ साल तक, जैसे कि 10 साल 15 साल जो भी एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट के साथ, आप लोग इकोनॉमी में पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट, बीओटी मॉडल और ये सब आप लोग पढ़ेंगे। बीओटी का फुल फॉर्म होता है बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर, ठीक है। तो जैसे कि बनाया, मान लीजिए अंबानी ले लेते हैं, अडानी ले लेते हैं, अडानी ने रोड बनाया बीओटी मॉडल पर, अब रोड बनाया, बना दिया, अब ऑपरेट करेगी वो, अडानी ही ऑपरेट करेगी, और 10 साल 12 साल 15 साल जो भी उसका एग्रीमेंट है उसको टैक्स ले लेगी लोगों से, और जो उसका पैसा खर्च हुआ है वो उसके पास आ जाएगा, उसके बाद वो ट्रांसफर कर देगी किसको, सरकार को। तो इस तरीके से ये सारे टैक्स, ये जो कॉन्सेप्ट है वो काम करते हैं। अब फास्ट टैग क्या है, न्यूज़ ये है कि NHAI से जो बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत सारे फीस वसूल रही है, क्योंकि फास्ट टैग जो होता है, फास्ट टैग सर्विस टोल पर लगाया जाता है, और गाड़ी में एक पर्ची लगी होती है, देखिए इस तरीके से आपको दिखाती हूँ, ये आप देखते हैं इस तरीके का, वहाँ टोल पर भी लगा होता है, गाड़ी में भी आपके यहाँ पे एक स्कैनर लगा होता है, तो ये स्कैनर इसको स्कैन करता है और पैसा ऑटोमेटिक कट जाता है। तो ऑटोमेटिक कट के कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा ना। अब ये जो बैंक है ये पैसा किसको देगी, गवर्नमेंट को देगी, तो क्या करेगी, बदले में कुछ पैसा लेगी, तो अब बैंक इससे ज्यादा पैसे ले रही है गवर्नमेंट को, से यही न्यूज आया हुआ है, ठीक है। अब फास्ट टैग में क्या क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, हिंदी में भी उसको वही बोलते हैं, ठीक है। और ये एक वही टैक्स का सिस्टम है, जिससे कि कैश ट्रांजैक्शन में काफ़ी मदद मिलती है, और जो लोग पार होते हैं बहुत समय नहीं लगता, इसको बहुत दूर से ही जो स्कैनर होता है उसको देख लेती है मशीन, और लोगों को जाने देती है अगर उसका पास पेमेंट होता है तो, है ना। तो ये टाइम बचाता है, एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत कम हो गए हैं इसकी वजह से, फ्यूल बहुत खर्चे नहीं होते, क्योंकि पहले क्या होता था, लंबी लाइन लगी रहती है, गाड़ी में पेट्रोल जल रहा है, एसी चल रहा है, और वो पर्ची काट रहे हैं, इतने में बहुत देरी हो जाती थी, तो वो चीज़ें अब नहीं हो रही और बहुत कम समय लगता है। आपको इसका आंसर बताना है, क्वेश्चन आपके सामने है। इट इज़ एन एप्लीकेशन फॉर वन नेशन वन राशन कार्ड लॉन्च बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्या ये सही स्टेटमेंट है, क्या मैंने पूरे डिस्कशन में कहीं भी वन नेशन वन राशन कार्ड का नाम लिया है। इट इज बेस्ड ऑन रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कमेंट करके बताइए जल्दी से, ए बी सी या फिर डी। सही आंसर क्या होगा, बी फॉर बॉल, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नहीं। अब बैरियर रीफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है बताइए आप लोग, आपको मालूम है क्या, देखिए लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। तो कोरल रीफ क्या होते हैं, कोरल रीफ जो होता है वो एक कॉलोनीज होती है, कहाँ पर, समुद्र में, ओशन में, ऐसे छोटे छोटे जीवों की एक कॉलोनी होती है, ठीक है। देखना चाहते हैं, देखिए ये कोरल है, ये जो आप देख रहे हैं ये तो मछली है ना, ये फिश है, बट ये जो आप देख रहे हैं ये सब कोरल है, ये इस तरीके से, ये रेड वाला, ये सब कोरल है, और ये इतने खूबसूरत दिखते हैं, बिकॉज आप देखिए कि ब्लू ग्रीन सारे कलर्स हैं ना इसमें, ऐसा लग रहा है कि मतलब किसी ने पेंट किया हो, ड्रॉ किया हो, तो ये बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं,
और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओशन में। अगर ये ना हो तो बहुत सारे जीव जंतु मर जाएंगे, फिल्टर नहीं होगा पानी और बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है। कोरल रीफ को अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ सी, तो होगा कोरल रीफ, याद रखिएगा। और यहाँ पे 25% ऑफ मरीन स्पेसीज होते हैं। देखिए ये जगह कितना घेरता है, जगह सिर्फ 0.1% घेरता है ओशन का, लेकिन उतने में ही 25% स्पेसीज समा जाते हैं। सोचिए कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट, अगर ये ना हो तो क्या हो जाए, है ना। तो ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ ऑस्ट्रेलिया में है इस जगह। और अब ये बोला जा रहा है कि जो यहाँ के जो हालत बहुत खराब हो गई थी, कोरल्स मरने लग गए थे, ब्लीचिंग शुरू हो गई थी, तो अभी ये न्यूज में आ रहा है कि भाई ये ठीक हो रहा है, फिर से प्रॉब्लम्स नॉर्मल हो रही हैं और कोरल रीफ फिर से इमर्ज हो रहे हैं, फ्लरिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के, मतलब अलग अलग तरीके का डिजाइन आप मान सकते हो। एक अटॉल रीफ होता है, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, अभी हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो बैरियर देखिए अटॉल इस तरीके से है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे बताएंगे कि, मतलब ये पता होना चाहिए कि जो कोरल रीफ हैं वो अलग अलग तरीके से पाए जा सकते हैं, अटॉल में, फ्रिंजिंग में और बैरियर में, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरल रीफ, ऐसा क्या है जो अफेक्ट करता है, सिर्फ एक ही तो है, इंसान, है ना, ह्यूमन बीइंग। आप अपने घरों में एसी चला रहे हो, फ्रिज चला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज। कल मैंने डिस्कस किया था, याद है, क्लाइमेट चेंज पर मैंने बात की थी, कितने लोगों को याद है, जलवायु परिवर्तन पे कल डिस्कशन हुआ था, बहुत डिटेल में हुआ था। तो क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, याद है पेरिस एग्रीमेंट पर डिस्कस किया था कि हमारा टारगेट क्या है, भाई 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहना चाहिए, है ना। अगर ये टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो एक्सट्रीम कंडीशन आ जाएगी ना, ओशन वाटर पूरा गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। और जैसे वो हॉट होगा, अच्छा कोरल के बारे में एक बात बता दूं, कोरल में क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत होती है, ठीक है ना, यहीं पे कोरल्स पाए जाते हैं, कोरल्स पाए जाते हैं। और ये जो कोरल होते हैं, प्लस यहाँ पे एक एल्गी होती है, एल्गी जो होती है उसको बोलते हैं जूजेंथली, लिख लीजिए जूजेंथली, जेंथलीज, LIES, जेंथलीज, जूजेंथलीज, किसका नाम है, एल्गी का नाम है। तो आपको याद रखना कि कोरल और एल्गी दोनों मिल करके एक सिम्बायोटिक रिलेशंस बनाते हैं और फिर ये कोरल रीफ फ्लरिश करता है, जिंदा रहता है। एल्गी क्या करती है, कोरल्स के लिए खाना बनाती है और कोरल एल्गी को जगह देता है। कोरल बोलता है ठीक है तुम मेरे ऊपर रहो, मेरे टिश्यूज में रहो, लेकिन हमको खाना बना के दो। तो एल्गी सनलाइट लेकर के खाना बना के उनको देती है, इस तरीके से लोग जिंदा रहते हैं। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, एल्गीज मरने लग जाती हैं या फिर एल्गी इस कोरल को छोड़ देती हैं आपस में, होता है ना, ये कोरल एल्गी को छोड़ देता है, तो उस टाइम तो उसको पता नहीं चलता है, बाद में क्या होता है, भूखों मरने लग जाता है, खाना नहीं मिलता, एल्गी मर जाती है। तो इस तरीके से कोरल ब्लीचिंग शुरू हो जाती है। और जो कोरल ब्लीचिंग है उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो वाइट सा परत होता है, वाइट परत होता है, वो दिखने लग जाता है। और सारे जो अपने रंग बिरंगे ये प्यारे प्यारे से देखा ना इधर, ये सब खत्म हो जाता है, यहाँ पे सफेद सफेद सी चट्टाने बन जाएंगी। और सफेद चट्टाने मिलकर के फिर क्या करेंगी, पूरा ब्लीचिंग हो जाता है, इस तरीके से चीजें खत्म हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये इसके सारे प्रॉब्लम्स हैं और उसको आपको दिमाग में रखना है कि क्यों, कैसे, क्या होता है। कोरल ब्लीचिंग के कंडीशंस के बारे में याद दिया जो मैंने अभी आपको बताया कि एल्गी वगैरह का एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। देखिए कोरल ब्लीचिंग जब शुरू होता है ना, उसका मतलब कोरल की डेथ नहीं होती है, ठीक है ना। कोरल ब्लीचिंग का मतलब कोरल की डेथ नहीं होती है, लेकिन आपको मालूम है ना कि एल्गी नहीं है, खाना बना के दे नहीं रही है, तो कब तक कोई सर्वाइव करे, बिना खाना पानी के कोई कब तक सर्वाइव करेगा। तो कोरल भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और एक समय आता है जब वो पूरी तरीके से डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, और पूरा ये जो सुंदर सा वातावरण है वो शमशान बन जाता है ना ओशन में भी। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। 25% जो जीव जंतु रह रहे थे वो बेचारे वो बेघर हो जाते हैं और सारा का सारा सिस्टम खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कोरल ब्लीचिंग हमें उस लेवल तक नहीं आने देना है। देखिए हेल्दी कोरल रंग बिरंगे हरे से, उसके बाद स्ट्रेस्ड कोरल, देखिए धीरे धीरे ये स्ट्रेस होना, कलर चेंज होना शुरू हो गया और फिर ये वाइट हो गया, मतलब पूरी तरीके से ब्लीच्ड हो गया। तो अब आप इसको, आपको क्वेश्चन दिया गया है, सारे स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है और मुझे काफी अच्छे अच्छे कमेंट मिल रहे हैं। मेरे सारे स्टूडेंट्स जो क्लास वाले हैं वो मुझे इतना अच्छा अच्छा कमेंट भेज रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं मुझे, एंड आई रियली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और यकीन मानिए कि आप लोगों को जब बहुत अच्छे समझ में आता है ना तो एक सुकून मिलता है कि जो मेहनत थी वो सफल रही और मैं आपको समझा पाई। तो आप इसी तरीके से अपने अच्छे अच्छे मैसेजेस कमेंट्स मुझे करते रहें, और कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ और हेल्प चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं। एडिटोरियल का सेक्शन भी हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा जल्दी, पहले ये वाला अच्छे से कंटिन्यू हो जाए, फिर कुछ वैसे तो कुछ एडिटोरियल आपके इसमें जुड़ जाता है, आपने देखा होगा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एक्सप्रेशन को जोड़ दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो आज के इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।